एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि हॉबिन गियुल और स्नैपर के साथ एक जगह पर बैठकर कॉमेडी क्रू चैनल पर अपलोड हुए एक वीडियो को देख रहा होता है, जिसमें कॉमेडी क्रू के मेंबर्स रोड पर चल रही एक लड़की को एक नकली सांप का यूज करते हुए डराते हैं, जिसके बाद वह उस लड़की से माफी मांगते हुए उससे यह वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करने की परमिशन भी ले लेते हैं। वहीं पर यह सब कुछ देखकर हॉबिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और अब वह बोलता है, आखिर लोग यह सब कुछ बकवास देख कैसे लेते हैं और क्या यहाँ पर सभी को दूसरे लोगों को परेशान होते हुए देखने में मजा आता है। तभी स्नैपर बोलता है, आजकल यूट्यूब के ऊपर इसी तरह का कंटेंट फेमस है और लोग यही सब कुछ देखना पसंद करते हैं। हॉबिन बोलता है, मुझे इस तरह की वीडियोस बिल्कुल भी पसंद नहीं। तभी स्नैपर बोलता है, एक बार जब तुम्हें कॉमेडी क्रू चैनल पर मौजूद सब्सक्राइबर्स के बारे में पता चलेगा तब तुम्हारी सोच यहाँ पर तुरंत ही बदल जाएगी। हॉबिन बोलता है, तो आखिर कॉमेडी क्रू के पास यहाँ पर कितने सब्सक्राइबर्स है? स्नैपर बोलता है, पूरे 7 लाख। यह सुनते ही हॉबिन काफी ज्यादा हैरान होता है और बोलता है, स्नैपर जल्दी से एक नकली सांप का बंदोबस्त करो, हम भी आज से इसी तरह की वीडियो बनाएंगे। स्नैपर बोलता है, बेवकूफ, हम इस तरह की वीडियो नहीं बना सकते हैं, पता नहीं क्यों कॉमेडी क्रू के सभी वीडियोस मुझे काफी ज्यादा अजीब लगते हैं। तभी गियुल वहां पर हॉबिन के हाथ से फोन को लेते हुए उनकी वीडियो को अच्छी तरीके से देखने लगती है और बोलती है, यहाँ पर मुझे एडिटिंग में कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी अचानक से कॉमेडी क्रू का एक मेंबर गियुल के पीछे आते हुए बोलता है, तो क्या तुम हमारी वीडियो में से हमारी एडिटिंग स्किल को कॉपी करना चाहती हो? अब अचानक से उस पर्सन को अपने पीछे देखकर गियुल काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वह पर्सन हंसते हुए बोलने लगता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तीनों एक जगह पर बैठकर हमारे कंटेंट को एंजॉय करोगे। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए हॉबिन के सर को पकड़कर उसे हिलाने लगती है और बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा छोटे और कमजोर हो, तुम्हें तो यहाँ पर मैं ही फाइट में हरा दूंगी। वहीं पर यह सब कुछ देखकर हॉबिन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वह वहां पर कुछ भी नहीं बोल रहा होता है। दूसरी ओर एक पर्सन स्नैपर को परेशान करते हुए बोल रहा होता है, तुम तो दुनिया वालों के सामने एक सुप्रीम वॉरियर बनते हो, तो आखिर अब तुम्हें क्या हो गया? क्या अब तुम हमसे फाइट करना नहीं चाहोगे? तभी एक लड़की गियुल के पास जाते हुए उसके जैकेट को खींचते हुए बोलती है, यह आज दोबारा से स्कूल में यही जैकेट पहनकर आ गई है। और अब वह सभी लोग वहां से जाने लगते हैं और जाते हुए बोलते हैं, तुम तीनों लूजर्स हो, तुम्हारे चैनल पर अभी बस 1,90,000 सब्सक्राइबर्स है, तो तुम हमारा सामना कभी नहीं कर पाओगे। यह सुनकर गियुल को काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर वह सभी लोग गियुल का मजाक उड़ाते हुए वहां से चले जाते हैं। तभी हॉबिन चिल्लाते हुए बोलता है, तुम सभी लोग बस देखते जाओ, मैं अपने यूट्यूब चैनल को यहाँ पर तुमसे भी काफी ज्यादा बड़ा बनाऊंगा और कुछ ही दिनों में मेरे बनाए गए प्रैंक्स वीडियो के ऊपर तुम्हारे वीडियो से भी ज्यादा व्यूज होंगे। तभी स्नैपर खड़ा होते हुए बोलता है, बेवकूफों जैसी बातें करना बंद करो, प्रैंक वीडियो बनाना इतना आसान नहीं होता है, इसके लिए काफी ज्यादा स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। तभी वहां पर हॉबिन के पास बोमी का मैसेज आता है, जिसे देखते ही हॉबिन स्नैपर और गियुल को इग्नोर करते हुए वहां पर बोमी से बात करने लगता है और तभी उसे बोमी के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि बोमी एक हॉस्पिटल में एडमिट होती है, वहीं पर उसके एक पैर में फ्रैक्चर हुआ होता है और मुंशियांग उसके सामने खड़ा उससे बोल रहा होता है, बोमी आखिर इस जगह पर क्या हुआ? मैं सब कुछ डिटेल में जानना चाहता हूँ। मैंने सुना कि तुम्हारा यह एक्सीडेंट किसी कार की वजह से हुआ है। बोमी बोलती है, नहीं, यह सब कुछ किसी कार की वजह से नहीं हुआ। और अब वह मुंशियांग को उस जगह पर जो भी कुछ हुआ उस बारे में सब कुछ बताते हुए बोलती है, कॉमेडी क्रू के कुछ मेंबर्स उसके साथ प्रैंक कर रहे थे और उसी दौरान वह डरकर नीचे गिर गई, जिससे उसके पैर में चोट लग गया, पर वह सभी लोग उसे उठाने के बजाय वहां पर उसकी वीडियो बनाते रहे और वह कार उससे टकराने ही वाली थी कि तभी ड्राइवर ने ब्रेक मारकर बोमी की जान बचा ली, जो देखकर आसपास खड़े सभी लोग परेशान हो गए थे। पर कॉमेडी क्रू के वह सभी मेंबर्स हंसते हुए बोमी की उस वीडियो को भी वहां पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अब यह सब सुनकर मुंशियांग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तभी बोमी देखती है कि हॉबिन भी उस जगह पर खड़ा होकर उसकी बातें सुन रहा होता है और अब हॉबिन बोलता है, तो क्या वह सभी कॉमेडी क्रू के मेंबर्स थे जिन्होंने तुम्हें मुसीबत में फंसाया और फिर तुम्हें प्रॉब्लम में फंसे हुए देखकर वह तुम पर हंसते हुए तुम्हारा मजाक उड़ा रहे थे? तभी बोमी बोलती है, हॉबिन तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी हॉबिन बोमी को मैसेज करते हुए बोलता है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं यहाँ पर सबसे पहले तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया, तो अब तुम इस जगह पर आराम करो। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है। बोमी उसे रोकने की कोशिश करती है पर हॉबिन बिना रुके उसे मैसेज करते हुए बोलता है, यहाँ पर अभी तुम्हारे पास तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मुंशियांग मौजूद है, तो मेरा इस जगह पर कोई भी काम नहीं, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स को सबक सिखाने।
अब दिखाया जाता है कि हॉबिन अपने घर पहुंचकर सैमडक की एक वीडियो को प्ले करता है, जिसमें सैमडक बता रहा होता है कि कोई भी नॉर्मल इंसान एक ही टाइम पर एक से ज्यादा अपोनेंट्स के साथ कैसे फाइट कर सकता है। अब दिखाया जाता है कि अगले दिन हॉबिन स्कूल में बैठा इन्हीं सभी चीजों के बारे में सोच रहा होता है, तभी स्नैपर उसके पास आते हुए बोलता है, हॉबिन अचानक से तुम्हारा यहाँ पर मन कैसे बदल गया? तुम तो कॉमेडी क्रू के मेंबर्स से फाइट करने के बजाय उनकी तरह प्रैंक वीडियो बनाकर उन्हें सबक सिखाना चाहते थे, तो कहीं यहाँ पर तुमने बोमी की चोट देखकर कॉमेडी क्रू के लोगों से फाइट करने का फैसला तो नहीं किया है? पर मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि यह फाइट तुम्हारे टाइहुन के साथ हुए फाइट से काफी ज्यादा अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार तुम्हारा एक ही टाइम पर तीन तीन अपोनेंट के साथ सामना होने वाला है। हॉबिन बोलता है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, मैं एक साथ उन तीनों के साथ यहाँ पर फाइट नहीं करूंगा। यह बोलते हुए वह अपनी जगह से खड़ा होता है और अब वह सोचने लगता है, आज पहली बार मुझे मास्टर सैमडक की वीडियो पर यहाँ पर यकीन नहीं हो रहा है, तो क्या मैं मास्टर सैमडक के द्वारा बताई गई टेक्निक्स का यूज करते हुए सच में कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स को हरा पाऊंगा? पर मुझे उन सभी लोगों से बदला तो लेना है और किसी न किसी तरीके से मैं उनसे बदला जरूर लूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि कॉमेडी क्रू चैनल के मेंबर्स अपने चैनल के ऊपर दो नई वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसमें से एक लिफ्ट गैंगस्टर प्रैंक होता है और दूसरा नो स्मोकिंग एरिया में पुलिस के सामने स्मोक करने का प्रैंक। वहीं पर उनकी इन दोनों वीडियो में 2 मिलियन से ज्यादा व्यूज होते हैं, जो देखकर वह सभी हंसते हुए बोल रहे होते हैं, यहाँ पर बस हमें एक और वीडियो को अपलोड करना है, जिसके बाद हम काफी आसानी से इस महीने 2 मिलियन येन से ज्यादा पैसे बना लेंगे। वहीं पर एक जगह से छिपकर हॉबिन, स्नैपर और गियुल उनकी बातें सुन रहे होते हैं और अब हॉबिन बोलता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह लोग यहाँ पर एक महीने में ही 2 मिलियन येन कमा रहे हैं। तभी स्नैपर बोलता है, तुम यहाँ पर पैसों के बारे में सोच रहे हो, तुम्हें यह सोचना चाहिए कि आखिर हम कॉमेडी क्रू चैनल को कैसे बर्बाद कर सकते हैं। हॉबिन बोलता है, हमारे पास यहाँ पर कोई भी सबूत नहीं है कि यह लोग यहाँ पर कोई गलत काम कर रहे हैं, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। स्नैपर बोलता है, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैंने इनकी वीडियोस को ध्यान से देखा, जिससे मुझे पता चला है कि इनके बनाए गए सभी प्रैंक वीडियो स्क्रिप्टेड होते हैं, साथ ही साथ इनके वीडियोस के अंदर परफॉर्म करने वाले सभी लोग भी एक्टर्स होते हैं, जिन्हें यह लोग कुछ पैसे देकर अपनी वीडियोस में बुलाते हैं। उदाहरण के तौर पर तुम इस लिफ्ट प्रैंक को देख सकते हो, जिसके अंदर यह पर्सन गैंगस्टर बनकर इस लड़की को डरा रहा है, पर अगर तुम इस लड़की के चेहरे को ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि यह बस एक्टिंग कर रही है। और तो और, नो स्मोकिंग एरिया में पुलिस के सामने स्मोक करने वाला वीडियो, इस बारे में मैंने पुलिस स्टेशन में जाकर पता किया, पर ऐसा कोई इंसिडेंट यहाँ पर हुआ ही नहीं। यह सभी लोग यहाँ पर प्रैंक वीडियो के नाम पर बस अपने व्यूअर्स को बेवकूफ बनाते हैं और कुछ भी नहीं, और इनके द्वारा बनाई गई एक आध प्रैंक वीडियो रियल होती है, जिसके अंदर भी इन्होंने काफी ज्यादा मात्रा में एडिटिंग का यूज किया होता है, जिससे यह अपने सब्सक्राइबर्स को दिखाते हैं कि जिन भी लोगों के साथ इन्होंने प्रैंक किया वह लोग इनसे बहुत ही ज्यादा खुश थे। तो अगर हम यह सब कुछ किसी तरह उनके सब्सक्राइबर्स तक पहुंचा दें तो उनका चैनल अपने आप ही डेड हो जाएगा। ऑविन बोलता है, मैं इतनी आसानी से कॉमेडी क्रू चैनल को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, मैं कॉमेडी क्रू चैनल की भी हालत बिल्कुल पाकुओं की तरह कर देना चाहता हूँ, जिससे वह लोग कभी दोबारा अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड ही ना कर पाए। तभी पीछे से रूमी आते हुए बोलती है, तो तुम दोनों ने मुझे अब तक यहाँ पर यह नहीं बताया कि आखिर तुम दोनों मेरे साथ कोलैब कब करने वाले हो? मैंने सुना है कि तुम यहाँ पर कोई प्रैंक वीडियो बनाने वाले हो, तो मेरे पास तुम्हारे लिए एक स्क्रिप्ट है, क्यों ना हम मेरे कपड़ों के ऊपर गलती से कॉफी गिराने का प्रैंक करें, और मुझे पूरा यकीन है कि इस तरह के प्रैंक में कई सारे व्यूज आएंगे, जिससे तुम्हारा चैनल भी बूस्ट हो जाएगा, साथ ही साथ मुझे भी कुछ नए सब्सक्राइबर्स मिल जाएंगे। तभी हॉबिन बोलता है, इन घटिया प्रैंक्स की वजह से बोमी यहाँ पर काफी ज्यादा घायल हो गई, इसीलिए मैं यह काम नहीं करना चाहता हूँ, तो अगर तुम इस तरह के बेकार के प्रैंक करना चाहती हो तो तुम कॉमेडी क्रू के लोगों के पास जा सकती हो। अब हमें दिखाया जाता है कि बोमी कॉमेडी क्रू के मेंबर्स के साथ अपने कपड़ों के ऊपर कॉफी गिराने का प्रैंक शूट कर रही होती है, और अब वहाँ पर शूट खत्म होने के बाद कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स रूमी के पास आते हुए बोलते हैं, सीनियर आप सच में काफी अच्छी एक्ट्रेस हो, तो फिर क्यों ना आप फ्यूचर में भी हमारे वीडियोस में इस तरह के कुछ रोल्स करो, पर मुझे यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर्स को इस तरह धोखा देना पसंद नहीं। रूमी बोलती है, हम बस यहाँ पर कंटेंट क्रिएटर है और इस तरह के कंटेंट बनाकर हम पैसे कमाते हैं, और तो और हम यहाँ पर अपने सब्सक्राइबर्स को धोखा नहीं दे रहे हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स बेवकूफ है और हम बस यहाँ पर उन्हें थोड़ा और ज्यादा बेवकूफ बना रहे हैं। उन लोगों को आखिर इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती है कि आखिर वीडियो के अंदर कौन एक्टिंग कर रहा है और कौन सीरियस है।
तो इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं। अब यह सुनते ही कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स खुश होते हुए रूमी के साथ वहां पर खुलकर बात करने लगते हैं और अब वह बिना रुके लगातार अपने सब्सक्राइबर्स की बेइज्जती किए चले जा रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि हमारे सब्सक्राइबर्स सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हैं। और जिस दिन पाकुगो एक्सपोज हुआ था, जिसके बाद उसका चैनल डेड होने लगा था, जो देखकर पाकुगो ने अपने चैनल के कंटेंट को ही बदल दिया था और फिर वह रोड पर जाकर लोगों को बुली करने लगा था। उसके इस तरह के कंटेंट को देखकर लोगों ने उसे पागलों की तरह फॉलो करना स्टार्ट कर दिया था और कुछ ही दिनों में उसके 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स इंक्रीज हो गए थे। यह सब कुछ देखकर हमने अपना चैनल बनाया था और उस दिन हम यह बात समझ गए थे कि हम अपने वीडियो में लोगों को परेशान करके काफी अच्छे व्यूज और लाइक पा सकते हैं। पर हम पागुओं जैसे बेवकूफ नहीं, हमने यहाँ पर कुछ एक्टर्स हायर किए और उनके साथ नकली प्रैंक की वीडियो को शूट किया, जिसके बाद हमारा चैनल यहाँ पर वायरल हो गया और देखते ही देखते हमारे कुछ ही दिनों में 7 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए। और आज तक हमारे दर्शकों को इन सभी चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता चला है और हम यहाँ पर काफी अच्छे पैसे छाप रहे हैं। तभी रूमी बोलती है, तो क्या तुम मुझे यहाँ पर बता सकते हो कि तुम्हारी अगली वीडियो किस बारे में होने वाली है और क्या तुम उस वीडियो में मुझे भी ऐड कर सकते हो। तभी वह सभी लोग हंसते हुए बोलने लगते हैं, नहीं, हमारी अगली वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि उस वीडियो में हम वायरल हिट चैनल को एक्सपोज करेंगे। यह सुनते ही रूमी हैरान हो जाती है। तभी एक पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि वह कमजोर सा हॉबिन टाइहुन जैसे फाइटर को हरा सकता है? मुझे इस बात पर यकीन नहीं, हॉबिन ने भी हमारी ही तरह टाइहुन से अपनी वीडियो के अंदर एक्टिंग करवाई होगी। और यह देखकर सभी लोगों को लगने लगा कि उस लूजर हॉबिन ने टाइहुन को फाइट में हरा दिया। पर जल्द ही हम वायरल हिट चैनल को यहाँ पर एक्सपोज कर देंगे, जिसके बाद उनके पास मौजूद सभी सब्सक्राइबर्स हमें मिल जाएंगे। और तो और, मैं स्नैपर और हॉबिन को अपने सभी सब्सक्राइबर्स के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगते हुए देखने के लिए बेचैन हूँ। यह सब सुनकर रूमी वहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी वह पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, सीनियर, अगर आप चाहो तो हम इस वीडियो में आपको भी एक रोल दे सकते हैं। वैसे भी हॉबिन आपका ही क्लासमेट है। रूमी बोलती है, नहीं, मैं इस तरह की वीडियो में काम नहीं करना चाहती हूँ। तो अगर फ्यूचर में तुम्हारे पास किसी और तरह का कंटेंट हो तो तुम इस बारे में मुझसे बात कर सकते हो। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगती है। तभी वह पर्सन रूमी को आवाज लगाते हुए बोलता है, सीनियर, अब तो आपको हमारे साथ इस वीडियो में काम करना ही होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने आपकी वीडियो बना ली है। और अब वह अपने फोन में रूमी की वह वीडियो दिखाता है जिसमें रूमी अपने सभी सब्सक्राइबर्स को बेवकूफ बोल रही होती है, जो कि उसके द्वारा बनाए गए नकली कंटेंट पर यकीन करते हैं। रूमी बोलती है, आखिर तुमने मेरी यह वीडियो क्यों बनाई? तभी वह पर्सन बोलता है, तो सीनियर, क्या आप यहाँ पर वायरल हिट चैनल से पहले कैंसिल होना चाहती हो? अगर नहीं तो आपको हमारे साथ काम करना होगा। तभी रूमी हंसते हुए अपने फोन में वह रिकॉर्डिंग दिखाती है जिसमें वह पर्सन अपने चैनल के सभी राज खोल रहा होता है कि किस तरह उसने पाकुओ से इंस्पायर होकर अपने चैनल को स्टार्ट किया और नकली प्रैंक वीडियो बनाकर इतना ज्यादा फेमस हो गया। अब रूमी हंसते हुए बोलती है, बेवकूफ, तुम्हें लग रहा था कि तुम मुझे यहाँ पर फंसा रहे हो, पर मैंने और हॉबिन ने मिलकर तुम्हें यहाँ पर फंसाया। और यह वीडियो कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है, हॉबिन के सभी सब्सक्राइबर्स तुम्हें यहाँ पर लाइव देख रहे हैं। और तभी उस जगह पर हॉबिन, स्नैपर और गियुल भी आ पहुँचते हैं, जिन्हें देखते ही रूमी वह फोन फेंकते हुए स्नैपर को देती है। और अब स्नैपर उस फोन को कैमरा सेटअप के ऊपर लगाते हुए वहां पर सभी चीजों को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाता है। और अब रूमी बोलती है, कॉमेडी क्रू चैनल के हेड ह्यूनसॉक, भले ही मुझे यहाँ पर कितने भी पैसे क्यों ना मिले, इसके बावजूद मैं अपने सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को कभी धोखा नहीं दूंगी। और अब यहाँ पर लाइव वीडियो में तुम सभी लोगों का पर्दा फाश हो चुका है। यह बोलते हुए वह हॉबिन के पास से गुजरती है। तभी हॉबिन बोलता है, तुमने यहाँ पर बहुत ही अच्छा काम किया। और अब वह गुस्से में उन तीनों लोगों को देखते हुए बोलता है, तुम्हारा खेल यहाँ पर खत्म हुआ, तुम्हारा चैनल अब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है और आज मैं यहाँ पर तुम्हें तुम्हारी करनी का फल देने के लिए आया हूँ। और अब हॉबिन जाकर ह्यूनसॉक के सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखते ही ह्यूनसॉक की हालत खराब हो जाती है क्योंकि हॉबिन उससे काफी ज्यादा बड़ा लग रहा होता है। और अब ह्यूनसॉक सोचने लगता है, मैं तो इसकी हाइट काफी ज्यादा छोटी समझे करता था, आखिर यह इतना बड़ा कब हो गया? वहीं पर हॉबिन को याद आ रहा होता है कि हॉस्पिटल में बोमी से मिलकर वापस घर लौटने के बाद उसने सैमडक की वह वीडियो लगाई थी, जिसमें सैमडक बता रहा होता है कि आखिर तुम एक ही टाइम पर एक से ज्यादा अपोनेंट्स को कैसे हरा सकते हो, इसके लिए कम से कम तुम्हें 10 टेक्निक्स की प्रैक्टिस करनी होगी। यह सुनते ही हॉबिन वहां पर खुश हो जाता है। तभी सैमडक बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा था मैं सच में यह बोलने वाला हूँ? सच्चाई तो यह है कि एक नॉर्मल इंसान एक टाइम पर एक से ज्यादा लोगों के साथ फाइट करके नहीं जीत सकता है।
तो यह वीडियो यहीं पर खत्म हुई, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ, यह बोलते हुए सैमडक वहाँ से भागने लगता है, जो देखकर रॉबिन परेशान हो जाता है। तभी सैमडक रुकते हुए बोलता है, मैं बस यहाँ पर मजाक कर रहा था। और सच्चाई तो यह है कि एक टाइम पर एक से ज़्यादा ओपोनेंट को हराने के लिए तुम्हें नेचर को फॉलो करना होगा। क्या तुमने कभी किसी दो गोरिल्ला के बीच की फाइट देखी है? फाइट करने से पहले वो अपने चेस्ट को ड्रम की तरह बजाते हैं। और कभी तुमने किसी मैंटिस को किसी कैट के सामने खड़ा देखा है? वह किस तरह अपने साइज को बड़ा करते हुए अपने हैंड ब्लेड से कैट को डराने की कोशिश करता है। तो रूल सिंपल है, अपने से ज़्यादा बड़े और ताकतवर अपोनेंट को हराने के लिए तुम्हें फाइट स्टार्ट होने से पहले ही उसे डराना होगा। अगर तुम्हारे अपोनेंट फाइट स्टार्ट होने से पहले ही तुमसे डर जाते हैं तो वह ठीक से तुमसे फाइट नहीं कर पाएंगे और तुम काफ़ी आसानी से फाइट को जीत जाओगे। अब दिखाया जाता है कि प्रेजेंट टाइम में हॉबिन कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स के सामने खड़ा होकर गुस्से में उन्हें देखते हुए बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लग रहा था मुझसे पंगे लेने के बाद तुम लोग यहाँ पर बच जाओगे? मैं हमेशा स्माइल करता रहता हूँ, इसीलिए तुमने मुझे बच्चा समझ लिया था, पर आज तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे उलझकर तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है। वहीं पर कॉमेडी क्रू के सभी मेंबर्स अब हॉबिन से बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं, क्योंकि वह हॉबिन की बॉडी से निकल रही ईवल ऑरा को सेंस कर रहे होते हैं। तभी हॉबिन गुस्से में उनकी ओर आगे बढ़ने लगता है, पर उसी वक्त उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और अब उसके पैर से उसका एक जूता निकलकर बाहर आ जाता है, जिसे देखते ही कॉमेडी क्रू के सभी लोग उस जूते को उठाकर देखने लगते हैं, जिससे अब उन्हें पता चलता है कि हॉबिन ने उस जगह पर कम से कम 6 इंच ऊंचे हाई हील शूज पहने होते हैं। और अब यह देखकर हॉबिन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और सोचने लगता है, मेरा पूरा प्लान यहाँ पर फेल हो गया। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।